सोनिया, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, आखिरी मौके पर आपका कंफर्मेशन हुआ और सबसे पहला आप बाहर निकल रही हैं, क्या कहना चाहूंगी इस छोटी सी जर्नी के बारे में? आखिरी में हुआ वो भी अच्छा लगा क्योंकि हुआ, और पहले निकल आए वो थोड़ा सा मेरे लिए अच्छा नहीं था क्योंकि मैं और अच्छा खेल सकती थी वहाँ पर, तो बट मुझे ऐसा लगा कि ठीक है हुआ भी है, तो वो बाहर के लोगों से नहीं हुआ, सिर्फ अंदर के लोगों से हुआ है जो मेरे से फाइट कर रहे थे। ओके सोनिया, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से आपने एंट्री किया पहले एपिसोड में नंगे पांव गई थी, तो वो थोड़ा बहुत अपने अंदर रहता है कि इतने जल्दी आप घर से बेघर हो गए, तो आपके अकॉर्डिंग कौन था वो सदस्य जो होना चाहिए था? अभी तो जैसे मुझे सना लगी थी, सना को होना चाहिए था, फिर उसके बाद तहलका को होना चाहिए था, ये लोग कुछ करते नहीं है, वहाँ पर सोते रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगा ठीक है वो घर वालों का ऐसा था उस वक्त, तो मैंने ज़्यादा माइंड नहीं किया, बट मुझे डेफिनेटली सना को होना चाहिए था। तो लेकिन जब नॉमिनेशंस हो रहे थे तब आपने ये नाम क्यों नहीं दिए, आपको नहीं लगा कि तब ये नाम दे देने चाहिए थे? कौन से नाम? तहलका का आपने जैसे नाम दिया। नहीं, वो मैंने ऑलरेडी शायद आपने लाइव में देख, लाइव चल रहा था तो आपने देखा भी था, जब सना ने उसको बोला था राइडर को, तब मैंने एक जवाब दिया मैं तहलका को डालना चाहूँगी क्योंकि वो कुछ कर नहीं रहा है, और जब घर का मैटर होता है, एक घर में 5 मेम्बर हैं, 3 का पॉइंट ऑफ व्यू उधर है और 2 की पॉइंट ऑफ व्यू इधर है, तो फिर वो घर का मैटर नहीं है क्योंकि वो 3 के ही तरफ जाएगा, तो मैं उस गेम में अपने ही घर के जो सोते रहते थे घर में, मैं उनको ही डालना चाहती थी, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वो गेम ही ऐसा है कि आप 3 हो तो 3 का ही माना जाएगा, 2 का नहीं माना जाएगा, तो इसलिए मैं शांत हो गई थी उस वक्त। मैंने इनफैक्ट विकी और उनको सेव ही किया था क्योंकि वो लोग अच्छा खेल रहे हैं, और मेरा मानना है कि उस गेम में जो अच्छा खेल रहा है, इनफैक्ट बहुत सारे लोग भी ऐसे, मुझे लगता है कि नहीं मेरा कभी विकी से कन्वर्सेशन नहीं हुआ, बातचीत भी नहीं हुआ, तब भी मैं उसको क्यों कर रही हूँ, क्योंकि उस गेम में वो सूटेबल है, अंकिता भी है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब मैं एज अ पॉइंट ऑफ व्यू देख रही थी, मैं उस गेम के हिसाब से देख रही थी कि वो गेम में कहीं डिजर्व नहीं करते, वो सोने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं था, या तो फिर उनके दिमाग में प्लॉटिंग चल रही होती थी, प्लॉटिंग घर में बैठ के चला रहे हैं, बाहर निकल के देखो कि कौन क्या है, कैसे अपने मूवमेंट ले रहा है चीज़ों में, कैसे वो अपने आप को मोटिफाई कर रहा है, तो उस चीज़ पे वो फोकस करता तो डेफिनेटली तहलका है या फिर अरुण भाई है वो भी सही कर सकते थे, बट वो लोग सोते रहते थे। लेकिन सना और आपके बीच में जब एलिमिनेशन की बात हुई और आप दोनों को ही मतलब बीच में खड़ा किया गया, वोट करना था घर वालों को, तो आपको क्या लगता है सना ने घर में ऐसा लोगों के साथ बॉन्ड बनाया था जो लोगों ने उन्हें चुना, आपको नहीं? नहीं, ऐसा बॉन्ड नहीं बनाया, सबको ये भी पता था कि मैं फाइट करती हूँ, मैं किसी की सुनती नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि सना को वोट, क्योंकि सना बहुत बहुत वीक थी उसमें, तो वीक लोगों को इसलिए दिया क्योंकि उनके सामने कोई आ नहीं सकता फाइट करने के लिए, और सना तो बिल्कुल भी नहीं आ सकती। सोनिया, बिग बॉस ने एक बात ओपनली बोला हुआ था कि जो इस गेम के लिए फायदेमंद होगा उसे ही वो सपोर्ट करेंगे, लेकिन सना विक्की से एक बात बोलती हुई नजर आई थी कि खान जादी जो काम नहीं कर रही है उसको भी दिमाग वाले घर में डाल दिया है, बिग बॉस ये गलत कर रहे हैं, बिग बॉस की बात मुझे बुरी लगी है, तो आपको लगता है कि? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, खान को डाला और दिमाग के घर में इसलिए डाला, शायद बिग बॉस को पता था क्योंकि वो एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा बारीक से देखते हैं, तो आपने देखा भी होगा जब वो दिमाग के घर में गई है तो उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो चेंज हो गया, क्यों? क्योंकि उसको पता था कि अब मैं छेड़ने वाली हूँ, क्योंकि पहले दिमाग के घर में मैं थी, तो मुझे काम के लिए मुझे आराम से शांति से काम कराना पड़ रहा था, तो मैंने बोला भी था जब वो लोग उस घर में गए तो मैंने टॉर्चर करना चालू किया कि दिमाग वाले घर हैं अब कैसे स्टार्ट करेंगे चीज़ें, तो वो शांत हो गई थी और वो आराम से काम करना स्टार्ट कर दिया था उसने कोई भी चीज़ के लिए। आई थिंक आप देखोगे तो दिमाग के घर में पहुंचने के बाद उसका एक भी ज़्यादातर फाइट बहुत कम हुआ है, उससे पहले वो फाइट कर रही थी। लेकिन एक तरीके से आप देखेंगे तो सना ने अगेंस्ट बोला है शो के, हाँ शो के अगेंस्ट बोला है, बट ऐसा नहीं है,
जैसे मैं भी नहीं होंगी उस शो में, तो मैं ये नहीं कि मुझे बिग बॉस ने निकाल दिया है, मैं कुछ कर नहीं रही थी, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि नहीं मैं आगे जो जाऊँ उनके, नहीं वो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, वो गलत उसका स्टेटमेंट था, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं कर रही थी तो उसको ऐसा लगा कि बिग बॉस ने हम लोगों के साथ गलत किया है। मैं भी उसी घर में थी, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा, मुझे ऐसा लगा रूम बदलने से आप नहीं बदल जाओगे, आप जैसे हो आप वैसे ही रहोगे, और मैं जैसे वहाँ पे फाइट कर रही थी और मैं यहाँ पे भी ऐसी फाइट कर रही थी। इनफैक्ट मैं स्टार्टिंग से गई थी, मेरा नेचर वैसा ही था, आज भी मैं निकल के आई हूँ, मेरा टोन वैसा ही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। लेकिन सोनिया सवाल ये है कि जब मनस्वी यहाँ आने वाली थी शो में, उन्होंने मना किया और फिर आपको मतलब बुलाया गया, और अब इस वीकेंड के बार पे आपका एलिमिनेशन हुआ और उनकी एंट्री हुई एज अ वाइल्ड कार्ड, इस पे आपका क्या कहना है? कहीं ये प्री प्लान थी या कुछ ऐसा तो नहीं था? अब मुझे तो ऐसा नहीं लगता, इनफैक्ट मेरी वोटिंग ज़्यादा होती तो मैं भी तो वहीं होती ना, तो मैं ऐसे कैसे जजमेंट कर लूँ कि नहीं उनको उनको डाला है मुझे निकाला है, ऐसा जजमेंट मेरे लिए तो सही नहीं है। सुनिए, ये जानना चाहेंगे खानजादी इनिशियल डेज की अगर बात करूँ तो खानजादी कुछ कुछ बातों को लेकर बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाती थी उस तरफ, तभी आप उनकी फ्रेंड रहा करती थी, बट कुछ दिनों के बाद आप यू नो चेंज कर दिया आपकी फ्रेंडशिप, क्या ऐसा हुआ आप लोगों ने? फ्रेंडशिप चेंज नहीं कर दिया, आपके भी फ्रेंड होंगे तो एक काम होता है और एक फ्रेंड जोन होता है, आप मिक्स नहीं कर सकते हो किसी चीज को, तो मेरा जो फ्रेंड जोन था उससे था ही, जब काम करवाने की बारी आई थी क्योंकि घर चेंज हुए थे एक दूसरे के, तो मुझे ऐसा लगा अब वो मेरा टर्न है काम करवाने का, क्योंकि पहले खानजादी काम नहीं कर रही थी, तब मैं ऐसे प्यार से, आपने देखा भी होगा रात में मैं 12 बजे 1 बजे मैं उसको समझा रही हूँ, इनफैक्ट 2-3 बार मैंने रात में भी उसको समझाया कि आप शांत होकर काम करो, ठीक है जो आप कर रहे करो, बट घर को अनबैलेंस मत करो, वो कर देती थी, बट मेरा और उसका ऐसा नहीं है कि हाँ दोस्ती में ऐसा इम्पैक्ट आया था। आपने देखा भी होगा उसने बोला भी तू कल गुस्सा क्यों हो रही थी, मैंने कहा हो रही थी क्योंकि तूने बोल के गई थी झाड़ू नहीं लगेगा, मैंने कहा झाड़ू तो लगेगा। सोनिया आपसे जानना चाहती हूँ, दोस्ती मेरे लिए अलग थी और काम जो फैमिली थी वहाँ पे लोग थे उनके लिए खानजादी काम नहीं कर रही थी, तो मैंने कहा अब खानजादी काम करेगी क्योंकि ऑलरेडी मैं हूँ उसके सामने, तो ऐसा हुआ। ऑल्सो यू नो खानजादी आप लोगों के साथ बैठकर अगर मैं कंटेस्टेंट्स की बात करूं तो पहले मुनव्वर की बात करती, उसको चुचुंदर कहा क्योंकि वो इतना ओपनली नहीं खेल रहा है या यू नो वो एग्रेशन लेवल उसका नहीं दिख रहा है, वो बहुत कामली यू नो सबको समझाता है, तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि दोगला है, डबल स्टैंडर्ड है, सो इसके बारे में आपका क्या कहना है? डेफिनेटली बताएंगे, क्योंकि एक इंसान है नॉमिनेशन से डर रहा है, वो इतना ही स्ट्रांग था तो अपने आप को सेव क्यों किया था, जब उसको पता था कि मैं तो स्ट्रांग हूँ, मैं तो नहीं जाऊँगा इस बिग बॉस के हाउस से, वो अपने आप को विनर बोलता है, तो सेव करने की जब बारी आई तो उसने सबसे पहले तो अपने आप को ही किया, क्योंकि मुनावर को भी तो हमने नॉमिनेशन में डाला हुआ था ना, तो जब उसको चेंजिंग करने के लिए बोला तो उसने अपने आप को सेव कर लिया, तो कहाँ से वो स्ट्रांग हुआ। बट वो तो रूममेट का भी डिसीजन था, रूममेट का था डिसीजन, क्योंकि जिग्ना दीदी है वो तो उनका कोई स्टैंड ही नहीं है, वो कभी आते ही नहीं है, कि अब जैसे कि मैं होती तो डेफिनेटली मैं पहले तो पूछती तुझे सेव होने की क्या जरूरत है, जैसे कि आपने देखा भी होगा नॉमिनेशन के बाद मैं कभी ऐसी हुई नहीं, मैं चिल थी, क्यों? क्योंकि जो होगा ठीक है, उसमें इतना डरने की क्या जरूरत है, मैं तो जो मैं खेलूंगी तो मैं उससे ऐसे सोचूंगी नहीं मैं झगड़ा नहीं करूंगी क्योंकि मुझे नॉमिनेशन से डर है, मुझे सबके आगे हाथ जोड़ के काम करना पड़ेगा, वो तो नहीं हो सकता, जो खेलूंगी तो मैं अच्छे से खेलूंगी। बट यही चीज सना ने उल्टी करी कि पहले आराम से खेल रही थी बट जैसी नॉमिनेशन में आई वो शायद रियल फेस दिखा रही। नहीं एक्चुअली में वो इनफैक्ट इतनी मीडिया है, मैं आपको बोलना चाहूंगी वो लड़की बहुत सॉफ्ट है और वो ऐसा नहीं है, हम लोगों जैसे मैं हूँ मेरी जैसी पर्सनैलिटी की नहीं है, उस गेम के लिए भी नहीं है, बट वो चली गई है तो मुझे ऐसा लगा, मैंने उसको 2-3 बार बोला भी जब नॉमिनेशन आया तो जैसे वो हो रखी थी पैनिक, तो मैंने उसको बोला भी नहीं, इट्स ओके दिस इज गेम, ऐसा मत सोचो कि नहीं, क्योंकि हमारे पास डिसीजन था तब हमने भी तो नॉमिनेट किया था, तो हम क्यों डरे किसी से, हमारे पास भी आएगा ना वो चीज़ें। तो पर वो 3 दिन का ऐसा था कि विक्की भैया हमारे, विक्की भैया के पास जाती है मैडम क्योंकि उनकी फ्रेंड थी, तो अब क्या करेंगे ऐसे, उसने कहा देखो आपके पास 3 दिन है
और 3 दिन में आपको कुछ तो ऐसा दिखाना है जिससे आप बच जाओ। तो अब मैं तो पहले से ही थी, स्टार्टिंग से ही मेरा नेचर ऐसा था, तो वो इरिटेट करने लगी क्योंकि सेम वेट था। आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि मैं नहीं बता सकती, जिसके कारण मैं बहुत डिस्टर्बेंस होने लगा मुझे। मैं ऑलरेडी उनको बोला भी 2-3 बार कि आप ऐसा मत करो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मतलब मुझे क्लीन चीज़ें बहुत पसंद हैं, बट वो नहीं मानती थी। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी और इनफैक्ट मैंने रूममेट में और भी लड़के लड़कियां थे, मैंने उनसे भी बोला कि ये मान नहीं रही है। तब मेरा उनसे झगड़े का लास्ट क्वेश्चन, चलिए घर वाले की अगर बात करें, घर का मास्टरमाइंड बोल रहे हैं, इस सीजन का मास्टरमाइंड बोल रहे हैं विकी को। अब मास्टरमाइंड तो नहीं है बट तड़का बहुत अच्छा लगाते हैं आप रहकर आए हो साथ। हाँ, मास्टर माइंड नहीं बोलते, मास्टर माइंड बोले तो मैं मुनावर को बोलूंगी मास्टर माइंड है, क्योंकि मास्टर माइंड वो होता है जो छुप के काम कर रहा हो, वो खुल के एक दूसरे में इंजॉय कर रहे हैं, कुछ घर में ऐसा चहल वहल नहीं होता है, तो कहते हैं जागो कुछ करो क्यों सो रहे हो, तो वो मास्टर माइंड नहीं होता, मास्टर माइंड अलग होता है। तो मास्टर माइंड में बोलूंगी तो मुनावर का मास्टर माइंड है, वो पीछे से भी लोगों के लिए प्लानिंग कर रहा होता है, और दूसरा जब सामने से भी बात आती है तो वो ऐसे ही निकल जाता है क्योंकि उसको पता है आगे नॉमिनेशन से भी मुझे डरना है। चलिए, जिस तरह घर वाले को इतना जानती है, तो अभिषेक और ईशा के रिलेशन के बारे में क्या कहेंगी, क्योंकि शुरुआत से तो वो कभी लड़ते नजर आते हैं, कभी एक दूसरे के साथ जुड़ते नजर आते हैं। बट मैं अभिषेक की तरफ से इतना बोलना चाहूंगी, वो फेक नहीं है, वो झगड़े में फेक कर सकते हैं, वो रिलेशनशिप में फेक नहीं है। ओके, सोनिया लास्टली जानना चाहेंगे कि जिस तरह एपिसोड में पुरानी कट जो भी थे उन सदस्यों का नाम लिया गया था, जैसे आसिम रियाज एंड सिद्धार्थ शुक्ला का नाम लिया गया था, तो आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे सदस्य हैं घर के जो पहले से प्लानिंग प्लॉटिंग करके आए हैं, जो अच्छे सभी शांत तरीके से खेल रहे हैं, बाद में अपने शायद रंग रूप दिखाए, आपको क्या लगता है कौन से ऐसे सदस्य हैं? मुझे ऐसा लगता है कभी कभी अभिषेक अच्छा है बट वो पैटर्न अपना रहा है, पैटर्न बोले तो पुराने पैटर्न अपना रहा है, पुराना पैटर्न बोले तो बिग बॉस ने एक बात भी बोली है कि अब वो बिग बॉस नहीं है जो पहले था, ठीक है, तो अपनी जो छवि है वो पहले बनाए, दूसरे की छवि अपने आप पे अलाउड मत करो, तो वो अलाउड अपने आप पे किसका सिद्धार्थ का भी नाम लिया, बहुत सारे लोगों का जो नाम लिया था, वो मुझे ऐसा लगता है कि उसको अपनी पर्सनालिटी से खेलना चाहिए, ना कि किसी और की पर्सनालिटी से। सोनिया, आपका घर में किसके साथ बॉन्ड अच्छा रहा, जो आप कोई बाहर निकला आप किससे मिलना चाहेंगे और किससे मिलना? मैं खानजादी से मिलना चाहूंगी बस, और तो विक्की से भी मेरा इतना नहीं था बट अंकिता से था और ऐश्वर्या से भी था, मतलब सबसे इक्वली था मेरा, ऐसा नहीं था कि पर्टिकुलर मैं गेम के चक्कर में नॉमिनेशन के डर के मारे सबसे ग्रुप बनाऊं, ऐसा मेरा नहीं था। थैंक यू।